हमारी भारतीय रेलवे, जिसमें हम सफ़र करके एक स्थान से दूसरे स्थान आते और जाते हैं, जिस ट्रेन को खींचने का काम हमारे लोकोमोटिव करते हैं। भारतीय रेलवे में अलग अलग तरह के लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है, जिसमें में दो मुख्य इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और एक डीजल लोकोमोटिव। इसमें आज हम बात करेंगे वो है डीजल लोकोमोटिव। भारतीय रेलवे में दो तरह के डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है, उसमें जो पहला लोकोमोटिव है वो अल्को लोकोमोटिव और दूसरा जो है EMD लोकोमोटिव। एल्को लोकोमोटिव का पूरा नाम अमेरिकन लोकोमोटिव है, EMD लोकोमोटिव का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव डीजल इंजन है। ये दो डीजल इंजन का भारतीय रेलवे इस्तेमाल करती है। एल्को लोकोमोटिव यह 4 स्ट्रोक इंजन है, जबकि EMD लोकोमोटिव यह 2 स्ट्रोक इंजन है। एल्को लोकोमोटिव में स्मोक फिल्टर ना होने के कारण इसमें स्मोक अधिक मात्रा में निकलता है, जबकि EMD लोकोमोटिव में स्मोक फिल्टर होने के कारण इसमें स्मोक ना के बराबर निकलता है। बात करें एल्को लोकोमोटिव के माइलेज की, तो यह 1 लीटर में लगभग 300 मीटर चलती है, जबकि EMD लोकोमोटिव यह 1 लीटर में 400 मीटर लगभग चलती है। बात करें पिकअप की, तो एल्को लोकोमोटिव से EMD लोकोमोटिव का पिकअप बेहतरीन पिकअप मिलता है। आपने ज़रूर देखा होगा रेलवे स्टेशन पर डीजल लोकोमोटिव को चालू रखा जाता है, उसे बंद नहीं किया जाता। पर इसका मेन कारण यह है कि उस लोकोमोटिव को अगर एक बार बंद कर दिया जाए तो उसको चालू करने के बाद रेलवे के नियम के हिसाब से उसके 27 पॉइंट को चेक करना पड़ता है, जैसे कि एयर प्रेशर, व्हील, सैंडबॉक्स। ये सभी चेक करने के बाद ही लोको पायलट को ट्रेन को आगे बढ़ाने की परमिशन मिलती है। यह रेलवे का नियम है, जिस कारण बस ट्रेन के इंजन को बंद नहीं किया जाता। अगर बंद करते तो उसके पीछे आने वाली दूसरी ट्रेनें जो अपने टाइम से चल रही हैं उसे लेट हो जाएगी, क्योंकि रेलवे के नियम के हिसाब से रेलवे को एक बार इंजन बंद करने के बाद चालू करने के उसके 27 पॉइंट को चेक करना पड़ता है। यही मेन कारण है जिससे लोकोमोटिव को बंद नहीं करते।